ये वो क्षेत्र है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जय घोष किया था। जल्द घोषणा करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दो दिन में घोषणा हो जाएगी। दूसरे चरण के चुनावी दंगल के बाद देश भर की नजर अब एक बार फिर अमेठी रायबरेली पर आकर टिक गई है, क्योंकि 3 मई की तारीख यहां नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में सबकी निगाहें यहां कांग्रेसी उम्मीदवार को खोज रही हैं। और इसी बीच बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने अपना दमखम दिखाते हुए नामांकन भी कर दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के नाते अमेठी की सेवा में आज मैंने अपना नामांकन अमेठी की जनता के आशीर्वाद समर्थकों के सहयोग से भरा। ये वो क्षेत्र है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जय घोष किया था कि हम क्षेत्र में बदलाव की दृष्टि से अपना प्रत्याशी दे रहे हैं। 20 मई को पांचवें चरण में होने वाले चुनावी दंगल में यहां नामांकन के लिए अब केवल 4 दिन ही बाकी हैं। वहीं कांग्रेस खेमे में अमेठी से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक केवल और केवल चर्चाओं की चाल है। कौन होगा उम्मीदवार, ये अभी भी अनसुलझा सवाल है। घोषणा जल्दी हो जाएगी, अभी जो कल लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें ये चर्चा का एक बिंदु था, लेकिन इस पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई। हमको बताया गया कि खारगे जी, अध्यक्ष जी इस पर निर्णय लेकर जल्द घोषणा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि एक दो दिन में घोषणा हो जाएगी। 3 तारीख से पहले पर्चे भरने हैं। दरअसल सियासी गलियारों में कांग्रेसी खेमे से खबर आई है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली में उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवार के चुनाव पर पास हुए प्रस्ताव में भी यही कहा गया। तब कहा गया कि 27 अप्रैल यानी शनिवार को कांग्रेस अपने पत्ते खोल देगी। रविवार का दिन भी कयासों में ढल गया। सोमवार को भी अटकलों से असमंजस के ये बादल नहीं छट पाए। सीईसी ने परसों पीसीसी की बैठक हुई, सारे सदस्य ने कहा राहुल जी को अमेठी से लड़ना है और प्रियंका जी को रायबरेली से लड़ना है। वो उनकी सीईसी की भावना उन्होंने प्रकट की, सदस्यों ने अपनी भावना प्रकट की, अपना विचार सामने रखा और मैं समझता हूँ एक दो दिन में निर्णय सुनाया जाएगा, दे देंगे। पहले खबर आई कि राहुल अमेठी और प्रियंका रायबरेली से चुनावी रण में उतरेंगे। पल पल बदल रहे घटनाक्रम में एक खबर ये भी है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ सकते हैं। बीजेपी खेमे से खबर आई कि बीजेपी वरुण गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए कह रही है और खबर ये भी है कि कांग्रेस भी वरुण गांधी के संपर्क में है। बहरहाल बीजेपी खेमे से यूपी में जहां स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह ने नामांकन कर दिया, वहीं ब्रजभूषण को लेकर केसरगंज सीट पर भी तमाम कयास चल रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा हॉट सीट फिलहाल अमेठी और रायबरेली हैं, जहां स्मृति ने तो भर दिया पर्चा, लेकिन राहुल प्रियंका की केवल चर्चा ही चर्चा। ऐसे में सवाल यही है कि अब तो दिन बचे हैं केवल 4, आखिर कौन होगा उम्मीदवार, कब खत्म होगा ये सस्पेंस।